पदार्थ रत्न निकरम, पदार्थ रत्न निकरम निज हृद गंज पुंजितम ग्रथनंतम स्मृति सूत्रांतः संतत्यैव स्तुमः शिवम्। आदरणीय इस संस्थान के सम्मान निदेशक तथा उपाध्यक्ष महोदय, आज की प्रस्तोता डॉक्टर अलका त्यागी जी, उपस्थित सम्मान्य अध्येता तथा अन्य जो शीतकालीन सत्र में आए थे विद्वान अध्येतागण, आप सभी लोगों का इस महत्वपूर्ण प्रस्तुति में आप सभी लोगों का स्वागत है, जो कि ये समापन की प्रस्तुति है डॉक्टर अलका त्यागी जी का, और इसका विषय है भावना इन टेक्स्ट एंड ट्रेडिशंस एंड भावना टू अटेन द स्टेट ऑफ भैरव निस्तरंग उपदेशास ऑफ द विज्ञान भैरव तंत्र। बंधुओं, जो तंत्र जो भारतीय ज्ञान परंपरा है या उसकी आध्यात्मिक परंपरा है, हम उसको दो खंडों में बांट सकते हैं, एक तो वैदिकी और एक तांत्रिकी। एक जिसका जिसकी शुरुआत जिसका स्रोत वेदों से माना जा सकता है, और एक लोक में जो स्थित और प्रचलित और प्रथित परंपराएं थीं, जिनको आप तांत्रिक परंपराएं कह सकते हैं। दोनों दोनों को हम पैरेलल या डिस्टिंक्ट नहीं मान सकते, दोनों परस्पर एक दूसरे से संबद्ध, एक दूसरे में ओवरलैपिंग परंपराएं हैं। तो लेकिन दोनों की अपनी अपनी विशिष्टताएं अवश्य हैं। तो तंत्र एक अद्भुत परंपरा है, और उस तांत्रिक परंपरा का जो पर्यवसान, जो कल्मिनेशन दिखाई पड़ता है, वो कश्मीर शिवाद्वैवाद में दिखाई पड़ता है। कश्मीर शिवाद्वैवाद या कश्मीर शिवा शैविज्म जो है, वो वैसे भी भारतीय दर्शन परंपरा का फल कहा जाता है, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के भारतीय ज्ञान परंपराओं का, विशेष रूप से दर्शन परंपराओं का एक समन्वय दिखाई पड़ता है। और स्वयं उस शिवाद्वैवाद का कल्मिनेशन जो है, वो महामाहेश्वर अभिनव गुप्त के द्वारा होता है, उनके लेखनों में होता है। इस पूरे दर्शन के साथ एक बहुत बड़ा बड़ी विडंबना ये जरूर रही कि जब इसका विकास कश्मीर में हो रहा था, उसी समय विदेशी आक्रमणों और मास कन्वर्जन के कारण इस दर्शन को बहुत बड़ा धक्का लगा, और स्वयं ये अपनी भूमि से उखड़ गया। आज की डेट में तो वो पूरी तरह से उखड़ गया है। वह दर्शन जो कि भारतीय दर्शनों का सिरमौर है, वो अपनी ही जमीन पर विस्थापित है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन इस पिछली शताब्दी में जो इसके महनीय आचार्य थे, जो अविच्छिन्न परंपरा थी कश्मीरी विद्वानों की, पंडितों की, उन्होंने इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, और इस समय यह दर्शन पूरे विश्व में भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसके सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रचलित विषयों में से एक है। पूरे विश्व के स्तर पर बड़े बड़े विद्वान इस पर कार्य कर रहे हैं, और आज हम उसके बारे में विशेष रूप से डॉक्टर अलका त्यागी जी से सुनेंगे। तंत्र की अपनी विशिष्टताएं हैं जिन पे चर्चा करने का फिलहाल अवसर नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय मैम को देना चाहता हूँ, और मैं केवल एक बात है कि जिस तरह से श्रमण परंपरा है, वो कर्मों के प्रति बहुत ज़्यादा पार्टिकुलर है। कर्म हमारे हमारा बिल्कुल, अगर कोई भी पाप कर्म हो जाएगा, जैसे जैन दर्शन है, उसकी कर्म मीमांसा बहुत ही अद्भुत है। अगर थोड़ा सा भी अगर पाप हो जाएगा, तो वो हम किसी भी तरह से उसका वारण नहीं कर सकते, उसको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम आगे चलते हैं तो निष्काम कर्मयोग जो श्री कृष्ण का है, वो कहते हैं कि कर्म अपने आप में पाप कर नहीं है, उसमें कर्तृत्व बुद्धि जो है वो पाप और पुण्य को का निर्धारण करती है। तो युद्ध भी अपने आप में पाप कर्म नहीं है, वो धर्म युद्ध हो सकता है, लेकिन वहां भी कुछ चीजें जो हैं वो हेय है, कुछ उपादेय हैं। लेकिन तंत्र एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सारी चीजें उपादेय हैं। अगर आप शिवतया सबको देख पा रहे हैं,
सर्वत्र शिव का अनुभव कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई भी चीज़ है या नहीं है। इतना उदात्त दर्शन जो है वो कश्मीर शिव कश्मीर ने हमको दिया है, भारतवर्ष को कश्मीर ने दिया। तो विशेष रूप से आज हम इसके बारे में चर्चा सुनेंगे मैम से। इनके बारे में कुछ मैं कहना चाहता हूँ अपनी ओर से, उनके परिचय के रूप में। आप यहाँ की सम्मान्य अध्येत्री हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह कॉलेज में आप अंग्रेजी विभाग में अध्यापक हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपका जो विशेष अध्ययन वो अक्क महादेवी पर रहा है। आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों की कवयित्री हैं, कवि हैं, आलोचक हैं। और लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि अंग्रेजी विभाग में रहते हुए भी आपकी रुचि जो है योग और कश्मीर शिवाद्वैतवाद में है। योग की आप प्रैक्टिशनर हैं और उसकी अध्येत्री हैं, समर्पित अध्येत्री हैं। समर्पित का तात्पर्य ये है कि आपको स्वयं का अभ्यास और स्वयं का अनुभव होता है, अनुभव है। सामान्यतया जो लोग एकेडमिशियंस होते हैं वो बड़े बड़े सिद्धांतों की चर्चा जरूर करते हैं लेकिन उसको प्रयोग में नहीं ले आते हैं, तो आपको उसका प्रयोग है, आपको अनुभव भी है और इसका अनुभव हमें भी है कि किस तरह से आप, क्योंकि आपके स्वभाव में जो सबके प्रति समानता, सौम्यता, प्रेम, समन्वय जो दिखाई पड़ता है वो अलोक सामान्य है, वो सामान्य सिद्धि का लक्षण नहीं है। हम अभी बड़े ही बुरे दौर से गुजरे, मैं कहना चाहता हूँ संस्थान में फ्रैक्शंस होना, उसमें उसकी चर्चा भी नहीं करने की जानी चाहिए, लेकिन मैंने देखा कि हर फ्रैक्शन के साथ, हर लोगों के साथ एक साथ, मुझे आश्चर्य होता है कैसे आदमी जो है वो सर्वत सबको एक तरह से देख सकता है। अजात शत्रु कैसे? बिल्कुल, एक से हम एक को तवल्ला करते हैं, एक से तबर्रा करते हैं, मेहदी साहब जानते हैं, तो एक को हम मानते हैं तो निश्चित रूप से दूसरे से द्वेष हो जाता है। लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ आपको, ये और ये चीज हमारे में भी उतरे, हमें तो आपके प्रति बहुत सम्मान है हम सभी लोगों का, और आप हमारी अग्रजा हैं। आप इसको शुरू करें। प्यास जैसा जैसा आपको सुविधाजनक हो, जैसा भी सुविधाजनक हो, ऐसी रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं ही हूँ। नौमी चित् प्रतिभां देवीं परां भैरवयोगिनीं मातृमान् प्रमेयांश शूलाम्बुजकृतास्पदाम्। आई वर्शिप द गॉडेस परा एनथ्रोन्ड ऑन द सेंट्रल लोटस अबव द थ्री ट्राइडेंट कस्प्स ऑफ द नोर, द नॉलेज एंड द नोन। The creative illumination of consciousness, that itself is the all-embracing energy of Bhairava. Esteemed Professor Chamanlal Gupchi, very beloved Balram Shukriji, and Professor Hara, our technical support, Gaurav-ji, Vijaya-ji, Ashwini Bhaiya, और मेरी सह अध्येत्री सुमित जी, रचना, और जो वहाँ जुड़े हैं लोग हमारे साथ, सुबू जी और अघोरानंद जी जो ब्राज़ील से जुड़े हैं, समीर भाई, मेरी डॉटर्स सान्या एंड लावण्या एंड मुनीश, आकांक्षा जी, मधु जी, IIT से जुड़े हैं मृणाल कौल जो कि बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं, उनके सामने मैं शायद उतना बोल भी नहीं सकती हूँ, लेकिन सबका यहाँ रहने का बहुत शुक्रिया है और नए अध्येताओं का दिल से स्वागत है।
अपनी बात शुरू करूंगी. आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश बट आई विल हैव टू मूव टू संस्कृत एंड हिंदी बिकॉज दीज आर द लैंग्वेजेस क्लोजर टू एक्सप्रेस आवर नॉलेज सिस्टम्स. आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माई प्रीवियस प्रेजेंटेशंस द ओवरव्यू अबाउट द तंत्रस. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बलराम शुक्ल जी दैट ही अगेन इन अ वे पुट अप अ फ्रेमवर्क इन विच आई वुड बी स्पीकिंग. So the extensive framework has already been given about how the Bhairava Tantras, the non-dual Bhairava Tantras, which lead finally to the Trika system, from which the Trika system evolves under the tutelage and under the works of the Kashmir Shaivacharyas between 9th and 11th centuries. I have looked at how these ancient tantric systems actually, as he said, Balramji said, have their roots in the Taittiriya Brahman. They are very clearly there is mention of the, for instance, the Bhairava and how it finally, becomes a deity in the mythological stream, and then how there is this esoteric systems which were preserved in the tantric traditions. This has been already kind of presented, and then I also presented. I'll give you a quick overview of what has already been done before we go into today's presentation. So then I came to particularly how Kashmir Shaivism is an absolutely non-dual. Like there has been non-dualism in Indian knowledge systems. I mean, Advaita Vedanta itself is called Advaita, non-dual. But how Kashmir Trika Darshan is called as Mahadvayavad, and why it is so. So we have kind of looked at that, but we will, in the context, that will emerge again. Then I came to the hermeneutics of Bhairava. Bhairava is the conception of supreme consciousness in Trika. So when we say Bhairava, this is in a way a symbol of the supreme consciousness. So that's why I looked at hermeneutics of Bhairava, in which I looked at three texts, the Vijnana Bhairava Tantra, the Shiva Sutras, and the Tantra Lok. Why I have chosen these three texts, I will perhaps say it again, because they are located historically at a very significant point, and how they kind of lead one leads and is assimilated into the other, and finally culminates in Acharya Abhinavgupta's works, as Balaramji already said. So this was chapter three on hermeneutics of Bhairava. So I looked at the metaphysics as well as the commonly perceived tantric terminology in which we perceive Bhairav, with terrible deity as he's perceived, and we kind of offer wine, and his vehicle is a dog, and he's the Dwarapal of Kashi. All that, how then all that transforms in these Trika metaphysics into the supreme reality itself. So that has been done in hermeneutics of Bhairava, and taking the support of these three texts, the Vijnana Bhairava, the Shiva Sutras, and the Tantra Lok. Chapter 4, 5, and 6 were written in the last year. And in chapter 4, which I will not present because it's extremely abstract and very technical, in this I was trying to relate how Bhavana and Bhairava correlate in metaphysical terminology. Because Mrinal is here and he would agree with me that, the terminology itself plays a very important role in transforming this mythological tantric discourse into a very full-fledged metaphysics. And I mean, great scholars like Professor Rastogi and Mark Dutkowski and many more, like in Italy and France and Oxford,
they are developing a terminology. And so I try in chapter 4 to locate bhavana and relate it with bhairava in the metaphysical terminology, not like in the how we perceive bhavana and bhairava in the mainstream discourse. So that was chapter 4, which will not be presented. In chapter 5, I have looked at the how bhavana fares in the mainstream texts and other traditions like bhakti, for instance, primarily bhakti, because bhavana and bhakti are almost synonymous. But I also explored and saw that Hesse Wiese has joined us. Oh, There is Harald Wiese. Germany. So he was an associate here for 1 month. Hello, Wiese. So we are talking about how in chapter 5 that I am exploring the concept of bhavana in the mainstream discourse of bhakti. Also in aesthetics, as Acharya Abhinav Gupta rereads the Natyashastra in his Abhinav Bharati, there also how he interprets bhavana. And then, I realized that in Buddhist Mahamudra, concept of Mahamudra, it's called Great Seal. It is very, has so much affinity with the Shaktopaya, which is the Bhavanapaya in the Trikashaivism. So, I mean, the similarity is so to that extent that every step that Mahamudra prescribes in their instruction manuals, those same steps appear in the Shaktopaya so-called manuals as Bhavanopaya. So there you see in Mahamudra. And then in Shodashopchar Puja, how Bhavana is a very important ingredient along with Shraddha. So Bhavana and Shraddha are necessary in our daily, engagement with the worship ritual, the Shodashopachar Puja. More important than that is the Sri Chakropanishad. And Balramji is the scholar here, the Vidwan here of Sanskrit. And he would know, I was doubtful whether this Upanishad, Sri Chakropanishad, it is also popularly named as Bhavanopanishad, very interestingly. So Bhavanopanishad has just 36 sutras. It is written in the sutra form. This Upanishad, and I will rather, read from my notes, is so Bhavana Upanishad, which is a form of Sri Vidya, worship of Sri Vidya, which is also a form of Shakta Tantra. In this, they use Bhavana. In this tradition, this is Sri Vidya tradition, extremely famous, but esoteric and, on the periphery. Rather than in the mainstream, because things are kept hidden in the tantras. Here in the Bhavana Upanishad, bhavana is used to establish the symbolic design of Sri Chakra as a link between the human body, considered as microcosm, and with also the pindanda, and the cosmic body of the goddess. So the goddess Tripura Sundari, and then it illustrates that the human body, identity of human body with the goddess's body, that means the cosmos, and reveals how both are then embodied in the Sri Chakra. So the three, there is one tantric, symbolic, geometrical design, then there is one mandala. Like in Tantra, there are three things, mandala and yantra and mantra. These are the three aspects, in so many aspects, but generally. So there is a mandala of the goddess,
त्रिपुरा सुंदरी, देर इज दिस दिस ह्यूमन बॉडी टेकन एज माइक्रोकॉजम एंड देन देर इज दिस ज्योमेट्रिक तांत्रिक डिजाइन, हाउ ऑल थ्री, बिकॉज ओनली थ्रू श्री चक्र यू कैन रिलेट एंड देन दैट होल थिंग इज सुपर इम्पोज ऑन द पर्सनल साधकाज बॉडी. दिस इज वेरी वेरी लाइक दिस सुपर इम्पोजिशन ऑफ द डेइटी ऑन टू द पर्सनल सेल्फ इज एग्जैक्टली वॉट इज बींग डन इन दी शाक्तोपाया एंड आणवोपाया एंड सो हम शिवो शिवो हम सर्वो अयम मम विभवः। विभवः. सो ये हमें दिखाई, वी सी दिस इन दी भावना उपनिषद. देन इन द एस्ट एज भावना एज एस्थेटिक एक्सपीरियंस, आई वुड ऑल्सो लाइक टू गो बैक टू माई नोट्स हियर टू जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ हाउ आचार्य अभिनव गुप्ता एक्चुअली कॉल्स रस निष्पत्ति द एस्थेटिक एक्सपीरियंस बाय द नेम ऑफ भावना. सो जस्ट लेट मी रीड दैट पर्टिक्युलर, यू नो दैट पर्टिक्युलर पैसेज हियर, भावना व्यापार। भावना व्यापार. एग्जैक्टली, थैंक यू. सो आचार्य अभिनव गुप्त इंटरप्रेट्स भावना एज अ स्पेशल पावर विद रिलेशन टू परसेप्शन ऑफ एस्थेटिक एक्सपीरियंस एंड ही सेज, आई कोट, रसा इज रिवील्ड, दैट मीन्स रसा बिकम्स भाव्यमान बाय अ स्पेशल पावर एज्यूम्ड बाय वर्ड्स इन दी काव्य पोइट्री एंड ड्रामा एंड दैट इटसेल्फ इज पावर ऑफ रेवलेशन विच इज भावना. द वर्ड भावना कम्स देयर. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू यू नो टेक यू थ्रू दीज अदर ट्रेडिशंस वेयर भावना अपियर्स. नाउ कमिंग टू नाउ भक्ति विच इज मेन स्ट्रीम भक्ति एज वी नो इट फ्रॉम द भक्ति मूवमेंट विच इवॉल्व यू नो विच बिगैन इन तमिलनाडु इन सिक्स सेंचुरी और बिफोर एंड देन हैड स्प्रेड पैन बिकेम पैन इंडियन एंड यू नो वॉज देयर थ्रू आउट द मेडिवल एरा एंड इवन अप टिल नाउ, लाइक भक्ति नेवर डिसअपियर्स फ्रॉम इंडिया आवर लैंड. बट इट वॉज अ वेरी प्रोलिफिक पीरियड वेयर द कॉम्पोजिशंस ऑफ द सेंट्स यू नो वर संग ऑल अराउंड द लैंड एंड दोज कॉम्पोजिशंस बिकॉज दे गेन्ड अर्जेंसी फ्रॉम द एनर्जी ऑफ दैट भक्ति भाव इन द सेंट्स वर वेरी चार्ज पीपल बिकॉज ऑफ देयर यू नो देयर वननेस विद द डिवाइन. सो ड्यूरिंग दैट पीरियड इन भक्ति देन द एस्पेक्ट ऑफ भावना विच वी सी इन दैट काइंड ऑफ भक्ति इज एन इमोशनल फोर्स एंड द लोकेशन ऑफ दैट फोर्स इज इन द हार्ट एज अपोज टू द इंटेलेक्ट. इन स्पेशली इन दीज सेंट्स कॉम्पोजिशंस द हार्ट इज वॉट इज सेलिब्रेटेड. इट इज द भावना, द इमोशन. यू नो यू कैन द वर्ड दैट यू कैन रिलेट इन इंग्लिश टू दिस भावना इज इमोशन एंड फीलिंग एंड दिस इज दैट एनर्जी ऑफ इमोशन विच इज यूज इन दिस काइंड ऑफ भक्ति विच वी नो फ्रॉम द मटीरियल भक्ति पीरियड. हाउ एवर इन त्रिक, इन त्रिका द हार्ट इज अ वेरी, हृदय इज अ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सिंबल एंड एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट डायमेंशन. बट इन त्रिका इनसाइट एंड नॉलेज इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स वाई इन त्रिका भक्ति वॉट वी सी दैट दैट इनसाइटफुल भावना, दैट इनसाइटफुल इमोशन इज वॉट इज काइंड ऑफ एम्फसाइज्ड. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नो दैट इन भगवद गीता ऑल्सो लॉर्ड कृष्ण यूजेज द वर्ड, आई रादर रीड लाइक बलराम जी, आई डोंट रिमेम्बर दिस. मैदावेश मनोये नित्य युक्त उपास, सो मैयावेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परया परियोपितास्ते मे युक्तात्मा मतः.
He uses the word, yeah, to give translation for Swami my Guru Bhai Aghoranand ji. Those who put the intent of their mind, not the heart, please note. Those who put the intent of their mind on me, that is, get completely immersed in me, Avesha, Samavesha, and worship me always with steadfast faith and devotion. So he's juxtaposing, sir, he's juxtaposing faith and devotion with the intellect and intent of mind. And he uses the word Avesha, which later Acharya Abhinav Gupta quotes in his Ishwar Pratibhigya Vivritti Vimarshini, IPVV. He quotes in the context when he is explaining the concept of Samavesha. So bhakti in Trika is actually Samavesha. Bhakti gets kind of, you know, a leap, and it is not merely this bhavana, emotional force. It becomes an insightful emotion. It becomes an insightful realization. I would like to use the word insightful bhavana, because bhavana cannot be translated as a to like just to use it as a functional term. I use the word creative contemplation. But bhavana appears in so many nuances and in with so many layers of meanings, in not only in Trika but in the entire, you know, the scope of other traditions which I have mentioned, especially bhakti. So I'll be using the word bhavana only, and perhaps we'll try to translate it as it appears in different contexts and how I mean it. Coming back to samavesha. So what happens in Trika? In Trika, bhavana gets transformed, gets another layer of dimension, not only the emotion, but a realized immersion. An immersion which gives you an insight, an immersion which opens your heart as well as your insight. Because we have both faculties as human beings. Our faculties are not only heart, not only intellect. They are not exclusive, and the whole being. So here, Trika, in a way, adds another dimension to bhavana, and we will see further. So, another important thing in this chapter, which I discovered while I was studying, is that Malini Vijayotar Tantra also, very interestingly, uses a term called bhavanamaya jnana. Exactly like this, it appears exactly like this, and Mrinal would know that how the tantra, Malini Vijayotar Tantra, I'll rather read from here. It's interesting to note that Malini Vijayotar gives a great importance to bhavanamaya jnana. Now, how does the tantra describe this bhavanamaya jnana? First of all, here in the tantras, there is great importance is given to the adhikari, adhikari. Like in Rasanishpati, adhikari is adhikari cha atra vimala pratibhashali hridayah. Lekin here, the adhikari is the one who has been initiated. So as Balaram ji said, that there is this mainstream Puranic tantricism, tantric Shaivism, which we know, and everybody can worship Shiva there, and everybody has access to, you know, the mantras which are available, Om Namah Shivaya, and so on. But there is this what is called initiatory tantricism, in which diksha, rite of diksha, is extremely important. So diksha means initiation, which is extremely important, and then you become the adhikari for the practice. So Malini Vijayotara Tantra says that only the yogis or jnanis are capable of attaining moksha and delivering moksha in this world. But even then, those sadhakas who practice sadhana for worldly gains,
we do all kinds of things for our gains. I need a son, I need a husband, and I need some wealth or job. So even those, even they would gain a lot to attain their, to make their ichha fruitful if they know the three kinds of jnanas, or if they practice like this, they should know. So what they should know, that the knowledge of correct meaning of the scriptures, this is called Shruta Jnana. Even if you are a normal sadhaka, you should know what you are doing correctly. आपको अगर गीता का कोई श्लोक पढ़ रहे हैं तो उसका मीनिंग करेक्टली आना चाहिए. द सेकेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ दैट नॉलेज थ्रू डेलिब्रेशन. यू मस्ट कॉन्टेम्पलेट एंड मस्ट काइंड ऑफ इंटीग्रेट. ये तो मनन का कॉन्सेप्ट अद्वैत वेदांत में भी आता है. सो वहां से ये साफ, देर इज अ लिटिल एफिनिटी देयर. सो दिस इज कॉल्ड चिंतामय ज्ञान. वेन यू डेलिब्रेट एंड इंटीग्रेट इट इन टू योर सिस्टम, इन टू योर बीइंग, इन टू योर प्रैक्टिस. श्रुत ज्ञान, चिंतामय ज्ञान, एंड वेन दीज टू ज्ञान ज्ञानस, देन वेन दिस दीज टू ज्ञानस हैव बीन इंटीग्रेटेड, ओनली देन अ सर्टन रियलाइजेशन हैपन्स. And they culminate in that culminates into Bhavanamaya Jnana. So it doesn't describe what is Bhavanamaya. It says when these two have culminated into realization. So the word used here, at least in the translation, is realization. So when the first two, Shruta and Chintamaya, have become realized, then Bhavana Mani, Bhavanama yes. Jnana automatically Appears. appears. And very beautifully it says that in the context of the ritual, when the ritual, which is yaga in the tantras, when the ritual is methodically, according to the shastras, is performed by a yogi or a jnani who is firmly established in his spiritual practice, then a profound fulfillment is experienced at the level of bhavana. These are the words. That profound fulfillment at the level of bhavana. Now you should relate it yourself. Is it heart? Is it insight? What is it? Because insight has already, he has already intellectually integrated. And then a profound fulfillment happens at the level of bhavana. And this is called Bhavanamaya Jnana. So I leave you here with my fifth chapter and come to the sixth chapter, in which, I mean, there is a lot which I have discussed in terms of, technically placing the whole thing. So the main argument that I began with was like how to the seed of the whole, proposal and the thesis, which I came with here to IIAS, and these were extremely fruitful years, sir. So thank you very much for giving me the opportunity to be here. So the seed with which I came here was bhavana, and how bhavana can be used to attain bhairava. This was the main thing, and everything then kind of, developed around it, and that's how I entered into the text. So I have looked at three texts: the Vijnana Bhairava, the Shiva Sutras, and the Tantra Lok. Let me tell you why I chose these texts. And then I'll come to how bhavana appears in these texts, because I have already discussed in the previous chapters how bhairava is treated. So maybe quickly I'll give you the idea that how bhairava is treated in these texts. In the Vijnan Bhairav Tantra is very, very poignantly located, very beautifully located in history, in terms of, historical reading. Or historical perception, or in historical frameworks, it is
It must have prevailed in the, it must have existed much before it is documented in 8th century. So, because Swachhanda Bhairava Tantra is supposed to be one of the first Bhairava Tantras, which is in 2nd or 3rd century. And if Vijnana Bhairava is later than that, even then, 4th, 5th, 6th centuries, it must have existed. Shiva Sutras were discovered in. Shiva Sutras are the most primary foundational texts for the Trika system. This is the foundational text for Trika Shaivism. And Tantralok is the culmination, which is in the 10th century. So, 8th century Vijnana Bhairava is a very unique tantra in the sense that when we look at Swachhanda Tantra or Malini Vijayota, I will not talk about Malini Vijayota because I'm not qualified, but I have looked at how if you look at Swachhanda Tantra, you see that there is a and these other tantras, you see that there is a proliferation of practices and there is no definite framework. Of course, there is an internal framework which the guru must be. Because these are basically oral transmissions. So the disciple who goes to the guru and understands there must be a framework, but sometimes in these tantras, the knowledge is very proliferated. It is in the Vijnana Bhairava Tantra that we find a very definite structure, a very good structure, which kind of gives you a clue historically how what has been in the other tantras. Very briefly, very condensedly, but very clearly, Vijnana Bhairava Tantra in the span of 5 to 6 or 7 verses right in the beginning tells you what has been before in the tantras, the knowledges that prevailed before. And the Shiva Sutras, so okay, back to Vijnana Bhairava. And the Vijnana Bhairava integrates in a way integrates that because it talks about Bhairava in its Bhairava Swarup in this the form of terrible deity and it could it be Bhayat Sarvam Ravayati and so this was the notion that Bhairava is somebody who liberates everybody from Bhaya and he's terrible in form or he, yeah, certainly. So this whole imagery that is associated, the symbolism that is associated in the mainstream, in the mainstream perceptions about Bhairava is integrated and then is also rejected. So the tantra says that all these forms, sakala means all these attributes, the one with the attributes, the sakala form is for the aprabuddhamatinam hi esha bala vibhishika. Just like the Dharup and Apavad of Advaita Vedanta. Okay. So कहते हैं कि ये सब जो रूप के रूप में दिखाई दे रहा है ऐसा चेहरा और ऐसा वाहन ऑल दिस इज जस्ट फॉर द अपर पीपल हुज इंटेलेक्ट इज नॉट वेल डेवलप्ड इट इज लाइक लेस डेवलप्ड इंटेलेक्ट एंड इट इज टू जस्ट ब्रिंग दोज पीपल ऑल दीज रिचुअल्स एंड देन ही टॉक्स अबाउट रिचुअल्स एंड रिजेक्ट्स देम ऑल्सो He says that the rituals of puja, snana, bhasma, or yajna, or havan, all these are also to just like matri modakvat. Mothers, mother gives the laddu ki tu dawai kha le, kadvi dawai. To give the bitter medicine, mother first gives a sweet or a chocolate ki please eat the bitter medicine. So all these rituals, etc., are just like matrimodakavat to bring those who are in the world, in the world of vikalpas, thought constructs,
हु आर इन दीज हु आर इसमें जो लिप्त है, विकल्प विकल्प आत्मनात्मा, बिल्कुल विकल्प आत्माना, जो विकल्पों में रत हैं, उनको टू ब्रिंग देम टू द पाथ. दैट्स व्हाई दीज रिचुअल्स एंड ऑल दीज थिंग्स. सो ही इन अ वे क्विकली जस्ट इरेजेस, रेडिकली इरेजेस दी रिचुअल एस्पेक्ट, दी एक्सटर्नल एस्पेक्ट, एंड देन ही टॉक्स अबाउट दैट भैरव कैन बी रियलाइज्ड विद इन द सेल्फ, स्वात्म संवेदन रूप. सो दिस इज अ बिग लीप हियर. वाइल द तंत्रज आर फेमस फॉर रिचुअल्स एंड यू नो पंचमकार एंड ऑल दो साधनास, हियर इज अ तंत्र विच यू नो विच कम्स सो क्लीन ऑफ द रिचुअल्स एंड सेज दैट यू नो हेयर इज हेयर आर दीज 112 निस्तरंग उपदेशस विच विल गिव यू दैट थॉट कंस्ट्रक्ट फ्री स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड दैट थॉट कंस्ट्रक्ट फ्री स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस निर्विकल्प, दैट स्टेट इट सेल्फ इज दी भैरव स्टेट, बिकॉज दैट स्टेट इज दी भरिता आकार, दैट स्टेट इज द स्टेट ऑफ फुलनेस वेर यू हैव टेकन अ लीप बियॉन्ड योर माइंड, माइंड विच इज फुल ऑफ थॉट कंस्ट्रक्ट्स. सो निर्विकल्प स्टेट में जाने के लिए ही सेज यू कैन एक्सपीरियंस इट विद इन योर सेल्फ, एंड देन ही सेज आई हैव गिवन, फाइनली ही सेज आई हैव गिवन यू 112 निस्तरंग उपदेश, एंड इवन इफ यू टेक, इवन इफ एनी वन टेक्स जस्ट वन, वन कैन टेक द लीप. सो विज्ञान भैरव तंत्र इन अ वे इज अ यूनिक तंत्र, बिकॉज इट्स वेरी, इट गिव्स द नॉलेज इन अ वेरी कंसॉलिडेटेड मैनर एंड यू नो सो रेडिकल. देन यू कम टू द दिस तंत्र वन डजन नो, ऑफकोर्स इट्स इन नॉन डुअल भैरव तंत्र, देर आर 64 भैरव तंत्र विच आर कंसिडर्ड एज नॉन डुअल. सो आचार्य अभिनव गुप्त एक्चुअली डिस्क्राइब्स थ्री कैटेगरीज ऑफ तंत्र, एंड स्वामी लक्ष्मण जू महाराज ऑल्सो देन डिस्क्राइब्स इट दैट देर आर 10 शिव तंत्र विच आर डुअल इन नेचर. शिव शिव शैव तंत्र कहते हैं जो वो डुअल हैं. डुअल मतलब दे सी वन एंड द अदर, लाइक यू नो गॉड इज समथिंग एंड देन देर इज दिस वर्ल्ड एंड दीज अदर, सो देर इज डुअलिटी, क्लियर कट डुअलिटी. देन देर आर दीज रुद्र तंत्र विच आर 18 इन नंबर, एंड दे आर डुअल कम नॉन डुअल. सो दे गिव यू देयर आइडियोलॉजी इज दैट देर इज सेल्फ एंड देर इज अदर एंड देर इज अ ब्रिज बिटवीन देम. दे सी वननेस इन डाइवर्सिटी एटलीस्ट यहाँ तक, बट दे डू सी सेल्फ एंड द अदर, बट देर इज वननेस इन दिस डुअलिटी. सो इज अ डुअल कम नॉन डुअल 18 रुद्र तंत्र, एंड देन देर आर 64 भैरव तंत्र, भैरव आगमस from which the Swachand Tantra and Rudrayamal Tantra, and they say that Vijnana Bhairav is a part of the Rudrayamala, aisa kaha jata hai. So this is certainly a Bhairava Tantra, a non-dual Tantra. However, whether it was a Trika, it was integrated into the Trika system. It was assimilated into the Trika system by commentators like Kshemaraja and Shivopadhyay also. So that is why more than in the original verses of the tantra, we do see what I have already said, that you know there is a leap to from sakala to nishkala. But more than within the original text, the commentary of Kshemaraja in the first 23 verses, Kshemaraja's commentary is available only up to 20, verse 23, and after that Shivopadhyay, who was a 18th century scholar, his commentary is found, and one more person called Bhattanand has written the commentary, another commentary. He was before Shivopadhyay. So what I'm trying to say that the Kshemaraja actually, you know, in his commentary, through his commentary, kind of, you know,
scoops the tantra out of the Bhairava tantras into the Trika system. Then, so in a way, it is integrated into the Trika system by Kshemaraja. Our next text, mujhe time bata dijiyega. 4:30 tak to aadha ghanta. Thank you. Perfect. So the next text, which is Shiva Sutras from the 8th century, this is a Trika text. This is a Trika text, and as Trika Darshan, Kashmir Shaivism is Maha Advaya, absolute non-dual system. So while in the Vijnana Bhairav Tantra, there are, you know, places where there are, I mean, Jayadeva Singh and Mark Dixkowski, they say that there are nuances of dualism there. And in Shivopadhyay's commentary also, they point out that this is not completely non-dual. But here in Shiva Sutras, we see that ritual is just not there. Nothing is there except for Supreme Consciousness. The very first sutra, it says, Chaitanyam Atma. The self is Chaitanya. This very self is Supreme Consciousness. And done. And then it talks about, so it has placed everything that is exteriorized into the interior of the consciousness. So every interiorization of all external objects. So this is what Trika is doing, that it places this whole expansion of the known into the knower's subjectivity. To the extent that it says that the knower is creating the known all the time. So if the knower is creating all the time, I am also the knower, and the supreme knower here is Shiva. I mean, he's not different from me. Oh, I myself become Shiva when I have expanded myself fully. When I have expanded this empirical consciousness, this small consciousness of mine, when I have expanded it to its full extent, then I myself am Shiva. So here is the point when we introduce Bhavana. So if I am the knower and I am creating my own known thing, that means I am creating my own world of objects. That means I have the capacity to create my world, my samsara. What is that capacity with which I create my own world? What is that capacity with which I create my samsara, my objective space, my surroundings, my reality? It is bhavana, creative contemplation. Bhavana, through bhavana, you can create your. And bhavana here is like, then is so minutely layered. And while it appears in the Vigna, I have come to my topic. The main thing is bhavana. So I would now focus on bhavana, how it is used in these three texts, and how, you know, layer by layer by layer, it is made into such a... it is actually transformed into Shakti itself. Shakti of the cosmic intelligence. In Trika, in my system, in Trika, the Supreme Consciousness has intelligence. The Supreme Consciousness is considered to be Prakash and Vimarsh.
लाइट, लाइट इज नॉट लाइक दिस लाइट, लाइट इज लाइक लाइट ऑफ नॉलेज. सो इट हैज लाइट बिकॉज नॉलेज हैज, एंड इट हैज कॉग्निशन ऑफ दैट. सो देर इज दिस रिफ्लेक्टिव कॉग्निशन एंड भावना इज रेज टू दैट लेवल. भावना इन दीज टेक्स्ट फ्रॉम विज्ञान भैरव टू शिव सूत्र एंड फाइनली आई मीन इट गेन्स सो मेनी डायमेंशंस इन बाय द टाइम वी कम टू तंत्र लोक. सो इन विज्ञान भैरव द भावना इज हियर आई वुड से दैट यू नो दीज आर देर आर इन इन विज्ञान दीज तांत्रिक एलिमेंट्स आर देयर इन विज्ञान भैरव तंत्र इन द सेंस दैट इट ऑल्सो हैज सो मेनी प्रोलिफरेटेड दिस दैट बॉडी बॉडी एज द यू नो द्रव्य को उसको खाली अंदर से करके फिर आकाश में भैरव जैसा काला दिख. सो देर आर सो मेनी एजोटेरिक डायमेंशंस विच आर टोटली तांत्रिक एंड ब्यूटिफुल ऑफ कोर्स. सो इन विज्ञान भैरव तंत्र भावना इज कॉल्ड शक्ति परादेवी. इट इज द मंत्र सोहम. ओनली वन वर्स कम्स इन विच दिस सोहम मंत्र एक्चुअली अपियर्स एंड दिस वर्स इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन द के एस टी एस एडिशंस. देर आर टू के कश्मीर सीरीज ऑफ टेक्स एंड स्टडीज. देर आर टू एडिशंस 8th एंड 9th, वन विद द शिवोपाध्याय एंड क्षेमराज कॉमेंट्री एंड अनदर वन विद द भट्टानंद कॉमेंट्री. तो सो इन बोथ दीज दिस वर्स डजेंट अपियर दैट सोहम वाला वर्स. इट अपियर्स इन दी इट इज कोटेड बाय दी क्षेमराजा इन शिवसूत्र विमर्शिनी एंड दैट्स वेयर वी फाइंड दिस वर्स दैट ओके देर इज अ मंत्र. अदरवाइज ओनली ऊर्ध्वे प्राणे हृदो जीव विसर्गात्मा परोच्चरे द फर्स्ट धारणा द 24th वर्स ऑफ विज्ञान भैरव तंत्र. एंड देन इन अनदर वर्स सो देर इज अ सजेशन दैट अबाउट दिस मंत्र सोहम अजप अजप बट इट क्लियरली अपियर्स इन दिस वर्स विच इज नॉट इन दीज एडिशंस बट इज देयर इन शिवसूत्र विमर्शिनी बाय क्षेम राजा हु says that it is from Vijnana Bhairav Tantra. My point is that what we can take from Vijnana Bhairava to establish our thesis about Bhavana is that it says it basically talks about the rise of mantra within this ajapa japa which is going on. It says that urdhve prane दो जीव. लेट मी रीड बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन टेक फ्रॉम विज्ञान भैरव. ऊर्ध्वे प्राणे हृदो जीवो विसर्गात्मा परोच्चरेत उत्पत्ति द्वितय स्थाने भरणाद भरिता स्थिति. सो दस द ब्रेथ ऑफ कोर्स इट इज रेफरिंग टू ब्रेथ बट इट इज नॉट रेफरिंग टू ब्रेथ एंड आई कम टू दैट. द प्राण विद द प्राण इट गोज अप. व्हाट गोज अप वी कम टू दैट. विद प्राण इट गोज अप. With apana it goes down, and prana is the exhalation, and jiva is the inhalation. This might look a little bit confusing in the sense we understand that prana is we take in, and but the tantra and there are other readings for this. Prana is the exhalation, jiva is the inhalation.
इट गोज अप विद द प्राण, दैट मीन्स इट गोज अप विद द एक्सहेलेशन. वॉट गोज अप विद द एक्सहेलेशन एंड इट गोज डाउन विद द इनहेलेशन. इफ एनी वन सिट स्ट्रेट एंड जस्ट फोकस ऑन द ब्रेथ, वन कैन सी दैट देर इज ब्रेथ, देर इज ब्रेथ एंड देर इज समथिंग एल्स बिहाइंड इट, विच एक्चुअली वैन यू इनहेल देन इट गोज डाउन एंड वैन यू एक्सेल इट गोज अप. एंड ही सेज दैट दिस इज विसर्ग आत्मा परोच्चरित. दिस मूवमेंट इज द विसर्ग शक्ति इट्सेल्फ. शक्ति इज कॉल्ड दिस परा विसर्ग आत्मा पर उच्चरित. दिस परा शक्ति इट्सेल्फ इज डूइंग द उच्चारण ऑफ दिस. And later we find what is that उच्चारण. That उच्चारण is सोहम. सोहम सकारेण बहिर्याति हकारेण विशेत पुनः हंस हंसेत्यु अमुम मंत्रम जीवो जप्यति नित्यशः. अजब 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 अजब. सो विदाउट डूइंग इट, दिस इज द अनरिसाइटेड रेसिटेशन. विदाउट डूइंग द उच्चारण, वेदर यू वॉन्ट टू डू इट और डोंट वॉन्ट टू डू इट, इट इज गोइंग ऑन. दिस इज द शक्ति मूविंग इन अस एंड द योगी. द ओनली डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस एंड अ योगीज कॉन्शियसनेस इज दैट द योगी इज अवेयर ऑफ दिस. एंड वेन द योगी बिकम्स अवेयर ऑफ दिस, इट बिकम्स भावना. मीन्स योगी इज पुटिंग द भावना एंड देन योगी कैन एक्चुअली बाय अप्लाइंग द भावना देन कैन चेंज द पैराडाइम ऑफ द अवेयरनेस. From Vigyan Bhairav Tantra, I am taking this much, I have elaborated it in the chapter, but coming to Shiva Sutras. In the Shiva Sutras, another dimension is added, and this soham is then called the mantra, the aham paramarsha. Aham, it is kind of, you know, given a different framework, is brought from here and put up in a larger framework where it is called aham paramarsha. Two, three dimensions are added to this particular aspect of parashakti, which is having its uccharan in us, so in Shiva Sutra. And the first thing is aham paramarsha. So the so hum, sir, jo so or aham hai, the aham, that aham paramarsh of this aham part is the supreme japa in Shiva Sutras. They call it the supreme japa. And then the concept of aham, I'll explain this aham, because the concept of matrika chakra is brought in. Matrika chakra is brought in the Shiva Sutras. Matrika chakra is the whole span of phonemes of Sanskrit alphabet from A to H. A is the first Adi and H Paryanta. So A, H and the Bindu, Aham, is everything that can be there, because the whole of objective reality, from phonemes to the words, to the sentences, to the language, to naming the world, ऑब्जेक्ट्स, दुनिया की चीजें नाम रूप संसार है, तो कहां से आ रहा है? फोनीम्स, उन साउंड्स से क्रिएट हो रहा है, वर्णों से. वर्णों से इधर वर्णाध्व और वर्ण दो अध्व भी यहाँ माने गए हैं, कला अध्व और मंत्राध्व. षडध्व में हमारे आता है ये वर्णाध्व आता है, वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा. सो जस्ट गोइंग बैक टू मातृका चक्र. Matrika Chakra is named as the Shakti behind the phonemes of the Sanskrit alphabet. So it is the Shakti which informs the sounds. So you can imagine that sound itself, the words itself are now located at Shakti. And Aham is the whole span of this Shakti.
अहम मंत्र एंड अहम इज हैपनिंग इन अस इन आवर अजपा जपी इन आवर अजपा जप एंड ऑल वी हैव टू डू इज डू द अहम परामर्श. So this is how Shiva Sutras give another kind of, you know, larger framework to this very rudimentary soham, which has been, like, you know, so many traditions, not only in the Trika or Tantric traditions, but in, you know, in the mainstream Bhakti tradition. Kabir khud kehte hain 21,600 bar surti laga ke तू वही सीधा पालेगा. संतोष सहज समाधि बली, संतोष सहज समाधि फली, फली वो सहज समाधि पालोगे अगर अवेयरनेस ऑफ दिस व्हिच इज गोइंग ऑन ऑन इट्स ओन इन अस. बट शिवसूत्रस, व्हाट आर द शिवसूत्रस डूइंग? आई मस्ट आल्सो एडमिट हियर दैट शिवसूत्रस आल्सो इन देमसेल्व्स मेंशन मातृका चक्र अनुसंधान, but it is the commentators, especially Kshemraj in his Kshemsutra Vimarshini, does the amazing job of bringing the knowledge back into Shiva Sutras, because he was disciple of Acharya Abhinav Gupta, the great disciple, one of the greatest disciples of Acharya Abhinav Gupta, who knew about his work. And Acharya Abhinav Gupta has expounded this whole theory of Paravak, the speech is such a small word to supreme speech is such a small word to translate paravak, and I'm not going into that, but he has given a theory of reality, how creation is form of paravak, creation is the form of supreme speech in all its four levels, paravak, apashyanti, madhyama and vaikhari. So that he has expounded in Parak Trimshika Vivarana. And of course, Kshemraja is knows this. And he then, in his commentary on Shiva Sutras, brings it elaborately back into the Shiva Sutras, which we read with the commentaries only because they are available. What is done is not undone. Why should we say now we know this and then we go back to Shiva Sutras? We don't know this. So we read it with the commentaries. So, coming back to Matrika Chakra and what Shiva Sutras do, Shiva Sutras give this dimension of Aham Paramarsha to this Soham Ajapaja. With Matrika Chakra Anusandhan, you can attain the Aham, the Parahamta. Parahamta. Parahamta is Shiva consciousness itself, Bhairava consciousness itself. So, aham paramarsh se aap Shiv mein aa gaye. I'll quickly like kind of wind up soon. So, we are enjoying a lot. Thank you. Then, Vijay ji kahan hai hamare? और गौरव जी एक गिलास पानी चाहिए था. पानी है ना, मैं लेकर इसमें. ओ थैंक यू सो मच मेरे प्रिय बलराम जी. बस तो नाउ आई मीन देयर इज सो मच मोर इन द टेक्स्ट कैन नॉट बी कवर्ड, बट आई कम टू तंत्र लोक. व्हाट आचार्य अभिनव गुप्त डज, व्हाट आचार्य अभिनव गुप्त एड्स टू भावना and to this, you know, idea of supreme consciousness in one's own self. So, and I must tell you that I'm basically focusing here on Shakto Upaya. The main thesis, the main proposition is just moving along the lines of Shaktopaya. There are other lines of or perspectives for understanding it, and they are Shambhavopaya and Anavopaya and then Anupaya also. So in the, thank you so much. So what in Tantra Lok, in Ahanik, fourth Ahanik, and also in Tantra Sar, fourth Ahanik, Acharya is
taking up Shaktopaya. And Shaktopaya is called Bhavanopaya, Mantropaya. These are the various names. It's also called Mantropaya because see, we are bringing the mantra. Soham into it. Soham into it. And one important thing I left in the Shiva Sutra is that the Shaktopaya begins with Chittam Mantraha. The mind itself becomes the mantra of the yogi who is... And how does the mind become mantra? On what kind of mind becomes the mantra? Chetayate vidhiyate param tattvam iti chittam. Jo param tattva ki taraf laga hua hai, uska mind ban sakta hai mantrik. And when the mind has become mantric, that means we are so focused, it takes a leap over the mind itself. And that is what is the goal. To make the mind completely free of thought constructs. Nirvikalpata is the goal of the yogis in all the upayas at every level. So Shambhava Upaya is for the highest yogi who is has larger amount of Shaktipat, and Shaktopaya has lesser amount of Shaktipat. He has to use the mind. Anva Upaya for somebody who can't use the mind, who's still like too much into the senses, he uses the senses and the body and Uchchar Karan. Sthan Prakalpanahe for the Anva Upaya, and for the Shaktopaya, it is the mind. Uchara rahita yah vastu. Us vastu, uchara rahit vastu bol diya. Aur mantra ki bhi baat kar di. That means mantra is not something which is always the one which is recited. The unrecited mantra here. So he is talking about that mantra that is not even sounded, but getting sounded. Uchara rahita yah vastu. Acharya Abhinav Gupta, what he does, he brings in the concept of, for Vikalpa Sanskar, the yogi must do the Vikalpa Sanskar, the refinement of thought constructs, because it's the nature of the mind to think. Always, it is the function of the mind. God has given us this faculty to think, but we do not have control, like we do not manage the thoughts. मैं आज ये सोचना चाहूँ तो नहीं सोच सकती. इतनी power नहीं है दी है. तो हम ordinary consciousness में इतनी power नहीं कि now I want to think about tantra लोक का वो वाला श्लोक. नहीं thought आएगा. दूसरे thoughts crowds रहते. So he talks about, Acharya talks about that for the yogi, it's important to do the vikalpa samskara, the refinement of thought constructs. And for that, he gives a very defined framework, step by step, sequential, methodology Acharya gives. And he says that for vikalpa samskara, you have to bring a shuddha vikalpa. शुद्ध विकल्प, एक प्योर थॉट कंस्ट्रक्ट ले आइए, उससे खुद को भर दीजिए. सो अहम परामर्श इज सेलिब्रेटेड बाय आचार्य अभिनव गुप्त, बट हियर अहम परामर्श टेक्स अ डिफरेंट फॉर्म. मंत्र एटसेट्रा इज गोइंग ऑन, द योगी इज अवेयर ऑफ दैट. दैट इज ऑलरेडी काइंड ऑफ अ प्रायोराई नॉलेज फॉर आचार्य. आचार्य adds another dimension and he says that अहम परामर्श इज नाउ दैट यू ब्रिंग इन द शुद्ध विकल्प, the pure thought constructs. And in Trika, that what could be the pure thought construct? Trika is a non-dual philosophy, absolute non-dual. Maha Advayavad hai ye, Maha Naya hai ye, jo Maheshwaranand ji kehte hain. So Shuddha Vikalpa is given. It says that Shuddha Vikalpa is a pure thought construct, something which can be constructed like soham sarvoyam mama vibhava. Ishwar Pratibhigya Karika, Acharya Utpaladev mentions that this is, and Acharya Abhinav Gupta says that this can be the shuddha vikalpa. Shivoham soham shivoham sarvoyam mama vibhava. This pure thought construct, this shuddha vikalpa, you use to refine your mind of the other vikalpas.
So the yogi is always aware of this Shuddha Vikalpa. And then what happens? Then he says, then he offers Bhavana Krama. That is most important. Like, I really didn't know when I began with this subject, because as a beat, jaise, it dawned upon me that I want to work on Bhavana. I really did not know what is there in the scriptures about Bhavana. And when I discovered Bhavana Krama, it was like, wow. It was a wow. So Acharya offers a Bhavana Krama in which, you know, first this samskara, the Shuddha Vikalpa which you bring in, it will do the samskara, like, you know, it will slowly, first it will be unclear, asphut, then sputam bhavi. Professor Navjeevan Rastogi has given this very beautifully in his krama, kram aur kul darshan, shiv advaya vad me kram aur kul mat ki parampara. Usme very beautifully he explains this bhavana kram, like, because it's very difficult to understand Acharya Abhinav Gupta, and I must remember my teachers here. Take this moment, sir, to may I give my regards to Professor Navjeevan Rastogi ji and Professor Bettina Boimer, whom we call Sharada Ma, who has been a fellow here, sir, twice, once national fellow, and Mark Dixkovsky ji, who has been initiated as Markandeya, and with whom I study Tantra Lok. So, coming back to Acharya Abhinav Gupta and the Bhavana Kram. So, first, this, when you bring in this Shuddha Vikalpa, Shuddha Vikalpa, Sarvo, Soham Sarvoyam Mama Vibha. Initially, it might be very unclear. You will feel that, you know, are kya hai kuch. Slowly, in six steps, he says, you know, this Shuddha Vikalpa will lead to more Sfutatara, Sfutatama, and then finally, the light of Bhairava will dawn upon you. And here, I must give a pause, and I would end with one verse from Paramarth Sar. Acharya Abhinav Gupta has also. Param parastham gahanadanadim ekam nivishtam bahudha guhasu sarvalayam sarvachara charastham Twameva Shambhum Sharanam Prapadye. Thank you very much for listening to me. And thank you to the online. Harold is still there, Aghurananda. And I can't read the names. Subhuji is there. And okay. Thank you, Madhuji. Thank you, Mrinal. And I will need your feedback later. Thank you, sir. Thank you, sir, for being there. आपके विचार नहीं, आप पढ़िए, इसमें आप अधिकारी मैं केवल बधाइयां दूंगा आपको और इतनी अद्भुत प्रस्तुति के लिए, और आपका प्रत्येक वाक्य हम लोगों के लिए सीखने के लिए था. सब लोग फाइनल प्रेजेंटेशन और उसके बाद इसका प्रकाशन हो और संस्थान जो है इससे लाभान्वित हो. मैं बिल्कुल अधिकारी नहीं हूँ इस विषय में बोलने का, और जो भी मैं बोलूंगा मुझे लगता है कि आपके कहे हुए को वो डाइल्यूट करेगा, मिसरिप्रेजेंट कर सकता है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा. जो महत्वपूर्ण बात इतनी अद्भुत आपने बताई कि जो मंत्रोपाय है, मंत्रोपाय के रूप में, और चित्त ही मंत्र है, चित्त में निरंतर चलने वाला जो जप है, या जिसको कबीर जैसे कहते हैं, अनहद बाजा भजे सुहाना, निरंतर किसी किसी वस्तु पर आहत होने से वो बाजा, वो वाद्य नहीं बज रहा है, निरंतर बज रहा है, और उसके बारे में
उसके विषय में जो अवेयरनेस है वो किस तरह से भावनोपाय बन जाती है और वो किस प्रकार हमें इस मानसिक विकल्पों के पार ले जा सकती है, जो कि संपूर्ण यौगिक प्रक्रियाओं का एकमात्र प्राप्य है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप भी है। तो सभी संतों ने इस बात को कहा है, सहज समाधि के रूप में या अजपा जप के रूप में या अनहद वाद्य के रूप में कहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जानने को मिली। हमारे जो ऑनलाइन श्रोता हैं उसमें बहुत से विद्वान स्कॉलर्स हैं, तो अपनी परंपरा के मुताबिक हम सबसे पहले जो ऑनलाइन श्रोता हैं उनसे ये, और ये परंपरा 2 साल की ही परंपरा है क्योंकि ये काम ही शुरू हुआ है 2 साल पहले से, तो मैं चाहूँगा कि दोज हु आर प्रेजेंट ऑनलाइन, दो स्कॉलर्स, आई इनवाइट सम कमेंट्स फ्रॉम देम, सम इफ दे हैव सम एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग टू ऐड टू योर स्कॉलरली लेक्चर, दे आर इनवाइटेड फॉर दैट। वीजे जी इज देयर, मृणाल जी इज देयर, एंड प्लीज। May I? या श्योर, प्लीज अब आप। सबसे पहले अलका जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और ये बड़ा सुखद आश्चर्य है कि मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है ये ज्वाइन करके। बलराम जी, आपको नमस्कार। आप मेरा सब नाम पंकज नमस्कार राघे कौशिक है। नमस्कार नमस्कार। आप लेडी श्रीराम कॉलेज में, ये भी हमारी अग्रजा हैं, पंकजा भाई जी हैं, पंकजा कौशिक जी हैं, आपको आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कृपा करके कहें, आप आपका स्वागत करने के लिए मैंने रोक मैं दिया सबसे आपको। पहले तो बहुत ही बधाई देना चाहती हूँ अलका जी को। मैंने प्रारंभ से सुना और मैं एकदम सुखद आश्चर्य से अभिभूत हूँ। इट्स सच ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज अलका द यू नो बीइंग फैकल्टी फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट एंड यू आर डूइंग यू हैव डन अ ग्रेट जॉब इन द फील्ड ऑफ संस्कृत एंड लिटरेचर बेसिकली। सो इट्स अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट अलका एंड सो सो प्रेजेंट। आई हैव नो वर्ड्स, आई एम एट द लॉस ऑफ द वर्ड्स राइट नाउ। एंड अलका, वन थिंग आई वुड लाइक टू नो अबाउट द यू नो यू हैव मेंशन द तंत्र शास्त्र राइट। यू आई थिंक यू हैव डन यू हैव स्टडीड द तंत्र शास्त्र। सो व्हाट इज द फंडामेंटल यू नो फंडामेंटल थीम ऑफ द तंत्र शास्त्र? आई वुड लाइक टू नो, बिकॉज आई एम ऑल्सो एज अ ले पर्सन इन द फील्ड ऑफ द ले तंत्र शास्त्र, बिकॉज यू हैव डन द भावना एंड भैरव एंड सेम यू नो बींग अ स्टूडेंट ऑफ द संस्कृत आई ऑल्सो हैड एक्सपीरियंस। आई हैड ऑल्सो नोशन दैट यू नो इम्प्रेशन दैट द भैरव इज समथिंग इज नॉट एज यू नो अल्टीमेट थिंग एज यू हैव डिस्क्राइब इन योर प्रेजेंटेशन, बिकॉज आई ऑल्सो हैड दैट इम्प्रेशन दैट भैरव इज नॉट दैट थिंग विच यू ट्राई टू एक्सप्लेन यू नो सेम। सो आई मीन आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, यू हैव डन द ग्रेट जॉब इन दिस फील्ड। सो आई मीन वे इन फ्यू वर्ड्स कैन यू प्लीज मेक मी अवेयर व्हाट इज तंत्र शास्त्र इज बेसिकली, व्हाट इज तंत्र शास्त्र इज? बेसिक क्वेश्चन पूछे आपने। थैंक यू पंकजा जी फॉर लिसनिंग। तंत्र शास्त्र इन अ फ्यू वर्ड्स इट कैन नॉट बी सेड, बट तंत्र एज अ वर्ड इफ आई टेक कम्स फ्रॉम, यू आर अ संस्कृत ग्रेट विद्वान इन संस्कृत, फ्रॉम तनु विस्तारे। सो दैट विच कैन एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस इज तंत्र, एंड एवरी टूल दैट कैन हेल्प यू टू एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस कम्स इन टू द तंत्र शास्त्र। सो यू नो दैट इज वाई इन तंत्र यू फाइंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, श्मशान साधना से लेकर के अघोर ट्रेडिशंस, देन पंचमकार साधना, एंड देन फाइनली यू नो द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ तंत्र इज त्रिक शास्त्र, इन विच यू नो ऑल दैट एक्सटर्नैलिटी, ऑल दोज टूल्स हैव बीन प्लेस्ड विद इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द योगी। सो इस
कहते हैं बाकी आपसे फिर बात ग्रेट अरे सो ग्रेट आई रियली कांग्रेचुलेट यू मेनी लोगों ने थैंक यू सो क्या मच आई डेफिनेटली विल कैच यू नो अप लेटर नो 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 प्रॉब्लम सर नहीं नहीं अब अभी प्रश्नों को लेते हैं बाद में इन चीजों को अच्छा करते हैं ठीक हाँ है एनीवन अपने पास ले हाँ हाँ कॉल का भी है एनीवन प्लीज लेट्स फ्रॉम कॉल द अश्विनी भैया और गौरव जी Thanks a lot, Dr. Pankaja ji. Anyone else from online You must be good audience? because I have it here. ये जा रहा है इससे. नमस्कार. दिनेश शक्ति. सतलानी बोल रहा हूँ मैं. नमस्कार. बहुत अच्छा. स्वागत है. नमस्ते. आप रखिए ना. रखिए ये है. हेलो. जी. हेलो. जी सर आपकी आवाज आ रही है आप बोलिए. हाँ नमस्कार जी. नमस्कार डायरेक्टर साहब को भी नमस्कार. मैडम अलका त्यागी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और कंग्रेचुलेशंस. मैडम एक छोटी सी क्वेरी है. मैं तो इस पे थोड़ा दूसरी तरह से काम करता हूँ मगर आप तो शास्त्रीय हिसाब से काम करती हैं. तो मेरा जो प्रश्न है वो ये है, थोड़ा समझना चाहता हूँ. आपने तो खैर बहुत काम किया है इस पे मगर ये कुछ रिचुअल्स लोग करते हैं तंत्र के नाम पे बहुत सारे. बिकॉज आई हैव बीन स्टडिंग दिस तंत्र मंत्र यंत्र ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ एज प्रिवेलेंट फॉर्म इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया बेसिकली इन हिल्स एंड एज आई केम टू नो दैट द एक्सपांसन ऑफ दिस तंत्र फ्रॉम अभिनव गुप्त टू कमिटी ऑफ छेमराज एंड देन इट प्रोलिफरेटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स. सो कैन वी कॉल दिस तंत्र वट पीपुल आर डूइंग फॉर हीलिंग एंड दीज थिंग्स. What is your opinion about this? Namaste, Professor Saglani. Ji. Thank you for listening and for your comments. Sir, as I just said while we tried to answer Pankaja ji's question, as I said that Tantra is very inclusive form of raising the awareness you know the because it's an ancient tradition and it has seen a huge span of civilization, it has certainly you know added dimensions to itself through you know more research and all that is also tantra. One thing I would like to add here, sir, that this actually became very consolidated and refined in the works of Kashmir Shaiva masters, the acharyas, especially you know starting from Acharya Somananda, then Utpala Deva ji, and then Acharya Abhinav Gupta Kshemaraj ji. It became a very philosophical system. Before that it was a esoteric tantric system, but then they gave it such a language that you know it's a very well developed metaphysics. So now you can talk about tantra as a metaphysics, as a philosophy, as a darshan. Before that you talked about it as a spiritual tradition. So all those streams that you are talking about are very ancient forms of tantra and they prevail in our culture all around the land. So they are also certainly tantra, but you know, different level. And as we said, you know, there are people of Harold is there. Thank you, Saklani ji. Hello, Harold. Thank you, ma'am. Thank you. ये सर को थोड़ा सर की तरफ करिए जब सर बोलें. Anyone else from the He has audience? Yes, yes. Okay. कोशिश कर सकती हूँ सर. Namaskar. You are first. We have a question or comment from. Professor Herald, and after that, Madhu Singh will ask. Please. Yeah, hello. I'm very pleased to see you. To see you all. He knows Balram ji. Yeah. Yes. Of course, I do. thank you very much for your talk. I was wondering. Of course, in all this literature, the prana is very important, and in the Brihadaranyaka Upanishad, the Chandogya Upanishad, and also some Aitareyas, there is the contest of the vital functions for superiority, meaning that breath is more important than sight and hearing and smelling and so on.
And I wonder whether this contest for superiority, where breath always comes out first, is also reflected in the literature that you looked at, Alka. Maybe not. I'm just curious. Is this? Hello, Harold. Thank you for listening. Hello. Is your question that where do we find the superiority of prana in this literature? Whether they refer to the discussion that you see in the Brihadaranyaka Upanishad and others. So here the Acharya himself says, Prak samvit prane parinatah. First and foremost, the samvit, the shakti of the samvit, establishes itself, manifests itself through prana. And like this is logically very easy to understand that it is the prana shakti which infuses the life into us. So prak samvit prane parinatah. This I found certainly in, I think, I'm not right now, can't give you the source, but I do have it. I can give it to you later. I'll send it on mail. Thank you. CN Subramanian ji hain, unke comments bhi hain. Sir, agar aap pratyaksh pooch lein to hame bahut anand hoga. Aap hame bahut hoye aapki awaaz sune. Hame dhyan hai ki aap har prastuti par itne mahatvapurna charchayein prastut karte the. दुर्भाग्यवश आपका बहुत ज्यादा संपर्क हम लोगों को नहीं मिल पाया. हम लोगों को बहुत ज्यादा सीखना था. सर आप सुन रहे हैं? बोलिए. सीएन सुब्रमण्यन जी, आप अगर अपने आप को आप अनम्यूट कर सकें अपने आप को, या मैं उनका पढ़ दूं? आया तो पढ़ी दीजिए. आपने लिखा है भावना क्रिएट्स नहीं कई चीजें हैं. Enjoyed your illuminating talk on many dimensions of bhavana. ये आपके लिए. This interests me for several reasons, especially on how bhavana can create and bring into being new realities. Some questions. अभी वो लिख रहे होंगे क्योंकि बहुत पर्याप्त प्रश्न होते थे उनके. तो पहला प्रश्न ये है, भावना क्रिएट्स न्यू वर्ल्ड्स एंड मे बी ऑल्सो may also be seen as a cause of bhava, sansara. Hence, Lalita is called bhavana gamya and bhavaranya kutuhalika. Shayad wo Lalita Sahasranam ko quote kar rahe hain. How does this square up with the idea? Bhavaranya kutharika. Aap khud bol rahe hain, sir. नहीं, मैं ये कह रहा था कि भावना जी, भावना सुनाई पड़ रहा है, पता नहीं. जी जी, बहुत अच्छी तरह से सुनाई पड़ रहा है. आप बोले हम लोग प्रसन्न हैं आपको सुनने. एक है कि भावना एक्चुअली भाव से भी जुड़ जाता है, भाव संसार जिसे हम कहते हैं. तो एक तरह से भावना संसार को बनाता भी है और उसी संसार को पार करना भी है. और ये जो ड्यूअलिटी है कि भावना एज बोथ क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एंड द पॉसिबल वे आउट ऑफ द वर्ल्ड, दिस ड्यूअलिटी और व्हाट वी कॉल डायलेक्टिक्स ऑफ भावना, आई थिंक दैट इंटरेस्ट मी अ लॉट. एंड आई वुड लाइक, how do you square up the two notions? How do you transit from one to the other? From bhavana as creator of the world and bhavana that transcends the world. That is my first question. My second question actually related to rituals. See, if you look at the Shaiva Siddhanta literature from South, especially people like Aghora Shiva, who basically continued the Ramakantha tradition, they would treat the mala as something real substance, like cataract on the eye. That's the symbolism that they use. Like cataract on the eye, you know, it clouds your eye and it has to be physically be removed.
So rituals had to be performed. How does this tradition get over this physicality of mala? These are my two questions. Namaste, Sukhi. It has been great to see you as well. Thank you for your questions. You are absolutely right that in Shaiva Siddhanta, which is a dual tradition of dualism, the malas are considered as physically, like, you know, the padarth, physical substance. And you rightly said cataract that has to be removed physically through ritual. In our Trika Siddhanta, mala is not, there are three malas. Mala has also been kind of, you know, reread here, the three malas of Karma Mal, Maya Mal, and Anav Mal. They are a part of limited knowledge. Ajnana, they don't call it even Ajnana, like Jnanam Bandha. That Jnana, which is limited, yeah, is Bandha. So there are two kinds of Ajnana. Sir, I'm relating it back to, it will become very elaborated otherwise. I'm relating it back to the concept of Paurush Ajnana, Bodh Ajnana. So one thing, the Paurush Ajnana is inherent as you embody, as you, like, you know, in the embodied form, the Paurush Ajnana is inherent. And Bodha Gyan comes from the intellect, like it comes later. So these two Ajnanas can be removed. And you are right, in the ritual of Diksha, in Trika also, a Paurush Ajnan can only be removed by the ritual of Diksha, initiation. That means that inherent, the fact of being embodied, the Ajnana which comes because of that means the limitations which come or out of being embodied, they can only be removed by the in ritual of Diksha. But the Bodha Jnana is removed by study of scriptures, Shastra with the Guru. One more thing that can be, which I should bring into light. I would like to add here that, you know, Acharya Abhinav Gupta, what he does is, he does not reject the ritual. That is something very important. Because, you know, up to chapter 14th, he's talking about placing everything within the consciousness, he's explaining consciousness, 12 kal, and then from... Actually, within chapter 4th, he brings in the 12 kalis. So symbolism, he doesn't reject the symbolism that prevails in the worldly perception about the god or gods or goddesses. So Tantra Lok, after chapter 15, Acharya Abhinav Gupta elaborately talks about how ritual is certainly important, but that same ritual can be placed into the consciousness. Mm-hmm. So the most gross form of that is Manas Puja, which we do. So Acharya Abhinav Gupta, the most elaborate rituals he explains, actually this is the only compendium, the documentation of what were the rituals in the ancient tantras. Acharya has documented it. At the same time, he documents, gives the significance of those rituals at some level, and also at another level he says that this ritual can be integrated, internalized. Yes, this is Trika, sir. So in Trika, because there are levels of knowers, sir. So if you are very advanced, only then you can place it in the sab apne dimag mein rakh karke sab kuch kar sakte, warna body se shuru karna padega, to ritual ki bhi zarurat hai. So, at different level. So, thank you, best. And you have used the right word for that ritual, matrimodik. Matrimodik. I really like this word, you know. Matrimodik. That's a lovely word for the ritual. Madhu Singh ji ka prashna tha, sambhavta aap agar hain to aap poochhiye kripa. Ji.
आप सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है आप। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं इस विद्वत सभा में उपस्थित सभी विदुषी और विद्वानों को नमन करती हूँ, और डॉक्टर अलका त्यागी का जो सारगर्भित एक व्याख्यान प्रेजेंटेशन था उसको यद्यपि मैं थोड़ा विलंब से ज्वाइन कर पाई, पर जो भी मैंने सुना सचमुच में बड़ा आनंद आया डॉक्टर अलका जी, और उतना ही आनंद हुआ जो आपके प्रेजेंटेशन के बाद प्रोफेसर दिनेश सकलानी जी ने, प्रोफेसर पंकज जी ने और प्रोफेसर सी एस सुब्रमण्यम जी ने जो अपने प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर देते हुए आपने जो अपना विषय पुनः प्रस्तुत किया है उससे मुझे लगा कि हम सब ने ज्ञान सागर में अवगाहन कराया आपने, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। थैंक यू मधु जी, शुक्रिया। बहुत अच्छा। ऑनलाइन श्रोताओं में से अगर कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहता है, अन्यथा हम सभागार में बैठे हुए विद्वानों की चर्चा सुने। अब संभवतः कोई नहीं है वहाँ, तो सबसे पहले मुझे अंत में दो हाँ ठीक है जी। सबसे पहले इस सभागार में मुझे लगता है हर डायरेक्टर को रहना ही चाहिए। इस सभागार में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक विद्वान पंकज बासोतिया जी बैठे हुए हैं, आप कृपा करके अपना प्रश्न पूछें यहाँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत अलका जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत ही फैसिनेटिंग तरीके से प्रेजेंट किया। मैं दो बात आपसे करना चाहता हूँ, एग्जैक्टली सवाल नहीं है, आप इसको कमेंट के तौर पर भी देख सकते। पहले वाला थोड़ा मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, ये जो शुद्ध विकल्प का प्रयोग है विकल्प संस्कार के लिए, तो वहाँ पे मंत्र को यूज कर रहे हैं वो सो अहम। मुझे इससे याद आया रमण महर्षि जो हमारे अपने समय में हैं, हम इन सबको सिर्फ अतीत की बातों के तौर पर नहीं देख सकते, किस तरीके से हमारे अभी भारत में भी अभी भी अभ्यास में है, मेरे को लगता है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और वो जो है उनके लिए हु एम आई जो बात है, मैं कौन हूँ, ये जो प्रश्न है, मतलब ये प्रश्न स्वयं अपने आप में एक मंत्र का कार्य है, किस प्रकार से कितने अच्छे तरीके से कर रहा है, तो इसके इस पे आपका रिस्पॉन्स मैं जानना चाहूँगा कि आप इसको शुद्ध विकल्प के तरीके से देखेंगे, मैं कौन हूँ प्रश्न को, आपका क्या कहना इस बारे में, एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं और ध्यान से देख रहा था कि हालांकि आपने अद्वैत वेदांत की तो चर्चा की, पर मुझे लग रहा था इसमें पीछे बुद्धिज्म तक जाया जा सकता है, खासकर जो भक्ति और ज्ञान के फर्क का सवाल था उसमें मैं इसको ज़रूर बीच में लाना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि शंकराचार्य में खुद में भक्ति और ज्ञान का फर्क एक तरीके से ख़त्म हो चुका, जो विवेक चूड़ामणि है उसमें उन्होंने खुद इन दोनों को एक रूप में देखा है, भक्ति को स्वयं ज्ञान के रूप में और ज्ञान को भक्ति के रूप में, रामानुज में इन दोनों में कोई फर्क है ही नहीं, एक्चुअली भक्ति और ज्ञान दोनों एक ही है रामानुज। पर बुद्धिज्म में कम ही लोगों ने ध्यान दिया होगा कि किस तरीके से शील समाधि और प्रज्ञा जो है, प्रज्ञा के तीन रूप हैं, जिन तीन रूपों की आपने चर्चा की उसकी सबसे पहले चर्चा बौद्ध दर्शन में प्रज्ञा के भीतर हुई, और वो तीन रूप हैं श्रुतमयी, चिंतनमयी और भावनामयी। तो इस तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता था कि प्रज्ञा के वहां पे, और प्रज्ञा इंटेलेक्ट, मतलब प्रज्ञा को बाद में जिस तरीके से देखा लोग उसको इंटेलेक्ट के रूप में देखा, और वहां पे भावनामयी पक्ष उसका सबसे सर्वोच्च एक प्रकार। थैंक यू सो मच सर, ये दिस इज आई विल लुक इनटू दिस, एक्चुअली यू हैव रियली एडेड टू माय नॉलेज from Buddhist sources that just as Malini Vijayottar is talking about Shruta Gyan and Chintamay Gyan and Bhavanamay Gyan, similar ideas are exactly there in the Buddhist sources. I have looked into some Buddhist sources, but this has escaped and I'll take notes from you. Bahut bahut shukriya. Aane ka vish. I will be silent on that, sir, because I'm a follower of
तो आप वैसे करने वैसे चले, हर रास्ता वहीं जाता है, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। अभी सीएन सुब्रमण्यम जी पूछ रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि वो कह रहे थे कि भावना को भव से भी जोड़ दिया जा सकता है, तो वस्तुतः शिवाद्वैत ऐसा दर्शन है कि जिसमें सब कुछ चीजों से जोड़ दिया जा सकता है, क्योंकि सर्वम सर्वात्मकम है, सभी का सभी के साथ संबंध ही नहीं आइडेंटिटी है, वो तादात्म्य संबंध है, तो सारी चीजें। अन्य कोई प्रश्न श्रोताओं में से? सर अधिकारी सबसे पहले मैं अलका जी को बधाई देता हूँ, पड़ोसी थी और जब वो यहाँ आई और इस विषय पर काम कर रही थी तो उनके कमरे में जाने में, क्योंकि तंत्र का मेरे मन में वही अर्थ था जो लोगों ने उनके कमरे में इतने भीषण टर्मिनोलॉजी वाले ग्रंथ पढ़े रहते थे, उनका आकार प्रकार भी कुछ ऐसा ही था। बहरहाल धीरे धीरे उनसे आत्मीयता हुई और मेरे लिए भी ये तंत्र का जो अर्थ और जो विश्लेषण उन्होंने किया मेरे लिए सर्वथा नया। मेरे मन में दो तीन छोटी छोटी जिज्ञासाएं हैं। मुझे लगता है कि मनुष्य मन को और साधना की प्रक्रिया को इस तरह वर्गीकृत किया जा सकता है क्या, पौरुष बौद्ध भावनामय चिंतामय श्रुत, मनुष्य के मन की जो प्रक्रिया होती है वो इतनी जटिल होती है कि ये सब चीजें अलग अलग इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है क्या किसी भी तरह, मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है ये। एक बात तो ये, दूसरा आपने कहा कि भावना और भक्ति एक दूसरे के पर्याय, इसलिए मैं भक्ति आंदोलन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है तो मुझे लगता है कि भक्ति बाद में ये जो सारी टर्मिनोलॉजी अधिकारी अर्था इन सब से अलग होती गई धीरे धीरे और वो सबके लिए सुलभ भी होती गई। तो क्या भावना के साथ भी कभी ऐसा हुआ क्या, जैसे भक्ति में प्रपत्ति जुड़ जाने के बाद, खास तौर पर अभी नाम ले रहे थे प्रपत्ति, खास तौर पर प्रेम समर्पण और निष्ठा ही पर्याप्त, जैसे कोई मान लीजिए मंदिर में जाकर केवल घंटी बजा रहा तो वो भी भक्ति का एक रूप है। इतनी गंभीर तो इतनी जटिल प्रकार की टर्मिनोलॉजी भावना वाली जो, क्या तंत्र में भी ये इसके सरलीकरण का कोई प्रक्रिया शुरू हुई क्या या नहीं हुई? तंत्र सबसे आसान है सर, आचार्य तो कहते हैं कि माँ किंचित त्यज माँ गृहाण विरामा स्वस्थो अवस्थितः, जिस अवस्था में विराम से रहे ना कुछ ले ना कुछ त्याग। लेकिन सर कहते हैं कि अभी मैं सुन रही थी, कहते हैं कि जो पंडित है ब्राह्मण उसको वेद ग्रंथों से जॉय मिलता है, पढ़ने से जॉय आता है, उसकी इंटेलेक्ट इतनी शार्प है उसको ग्रंथों के गूढ़ सागर में डूबने में बहुत आनंद आता है, लेकिन जो जो थोड़ा सुख सु जिसे कहते हैं कि जिसकी बुद्धि बहुत सुकोमल है, सुकोमल बुद्धि वाले को काव्य में मजा आता है, काव्य से उसको रस निष्पत्ति होती है। ऐसा नहीं कि पंडित काव्य से रस की निष्पत्ति नहीं ले सकता है, लेकिन सुकोमल बुद्धि वाला उस पंडित की तरह गूढ़ वैदिक वांग्मय से शायद आनंद प्राप्ति ना कर पाए। तो इंटेलेक्ट इज अ ह्यूज डायमेंशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी ऑफ एम्पिरिकल इंडिविजुअल एंड सम पीपल, इन सम पीपल दिस इंटेलेक्ट इज वेरी लाइक यू नो वेरी एक्टिव। सो अगर भाव एक्टिव है तो भक्ति का ही मार्ग है
और अगर आपका इंटेलेक्ट बहुत एक्टिव है तो कृष्ण जी ने भी तो मार्ग बताए हैं, कर्म का मार्ग जो है आप बॉडी हैंड बॉडी एंड यू नो क्या कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, जहाँ पे कि नहीं ये सॉरी ये गलत एनालॉजी हो जाएगी। तो खैर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तंत्र का मार्ग बहुत सुगम है। अपनी स्थिति को पहचानना है कि मेरी बॉडी वाली स्थिति है, मैं अभी सेंसेस में अटका हुआ हूँ तो आणवो पाए करूँगा, ठीक है ऐसे। वो तंत्र में तो सर कुछ एक्सक्लूसिव है ही नहीं, तुम सुरा भी पी रहे हो, अगर उसमें तुम शिव को देख लो तो तुम्हारी वही वही हो गई, लेकिन देख पाओ, लेकिन तुम देख पाओ बस ठाव लगा दो उधर। तंत्र में कुछ भी एक्सक्लूसिव नहीं है, इसलिए तंत्र भक्ति से भी भक्ति मतलब भक्ति भी तंत्र ही है, तो सब कुछ ही तंत्र में टूल बन जाता है सर। तंत्र का मतलब एक मतलब टूल भी है, बिल्कुल सही। सो यहाँ ये चाय का एक घूट भी टूल है, आपका सुंदर चेहरा भी टूल बन जाता है कि वाह, और बलराम जी की मुस्कुराहट में जो छोटे गड्ढे पड़ते हैं वो भी बहुत, हमारे सर यहाँ बैठ गए हैं आकर के सुशोभित हैं, खुशी हो गई है। तो यही तंत्र है सर, जहाँ खुशी हो जाए आनंद ही तंत्र है सर। मैडम ने अपने संप्रदाय का प्रचार भी किया अब आप इनिशिएट होइए, क्योंकि आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें शिव देखने की कोशिश कीजिए, ऐसे आसान क्या होगा। सही बात है बहुत अच्छी बात है जो, लेकिन शास्त्र हो चाहे काव्य हो, जैसा सर ने कहा, जब उसको उसको एनालिटिकली उसको देखते हैं तो उसकी कैटेगरीज हमें बनानी पड़ती है। तो चाहे कविता ही हो, काव्य शास्त्र आप देखें, व्यंजना और लक्षणा के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो परिच्छेदस्तु पांडित्यम, परिच्छिन्न करना, किसी चीज को स्पष्टतया देख पाना ही स्कॉलरशिप है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इतना कठिन क्यों है, इतना जटिल क्यों है, ऐसा नहीं है। जब आप उसको व्यवहार में लाएंगे तो सारी चीजें डिसॉल्व होकर के सरल हो जाती हैं, लेकिन जब आप वाक् व्यवहार में लेकर के आते हैं तो वो चीजें आपको कैटेगराइज करनी पड़ती हैं, सिंगल आउट करनी पड़ती हैं। तो कैटेगराइजेशन जो है वो स्पष्टता के लिए होती है। वो आप कठिन या सरल का तात्पर्य क्या है? अगर किसी चीज को आप नहीं जानते हैं तो कठिन है, जानते हैं तो सरल है। अगर आप कितनी बड़ी किताब को चाहे तो इंटरनलाइज कर सकते हैं। आपने देखा होगा यथा भर्तृहरि कहते हैं यथा अनुवाक श्लोको वा, किसी श्लोक को जब पहली बार पढ़ते हैं तो बड़ा भारी लगता है, याद हो जाती है तो छोटी सी चीज आपके दिमाग में लगती है। तो कठिनाई और सरलता का तर्क जो है वो ज्ञातता और अज्ञातता मात्र है। तो नहीं तो शास्त्र, चाहे आप स्वयं भी शास्त्र विकसित करेंगे तो आपको चीजों को कैटेगराइज करना ही पड़ेगा स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए। और एक प्रश्न, कोई प्रश्न नए आए हुए लोगों में, जो आप लोग आए हुए हैं, आप विद्वान हैं कोई? हाँ बिल्कुल प्लीज। बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, मैं सोच रहा हूँ कि काश कि मेरी प्रस्तुति में, पता नहीं मैं अकेला रहूंगा, सर तो रहेंगे ही कुछ लोग करेंगे या नहीं करेंगे, हम लोग तो द्वैत के संसार में ना, तो पता नहीं हमारा कैसा होगा जी बताएं। अभी कर दीजिए आप, हाँ हमारा शीतकालीन सत्र चल रहा है, ऑनलाइन जुड़ जाएंगे सर सब। सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगी मैडम, क्योंकि हमारे भाषा के क्षेत्र में यदि देखें तो मैं मेरा मतलब पीएचडी इंग्लिश भाषा में है, लेकिन अपने को मैं सहज मानती हूँ संस्कृत में और हिंदी में। आपने इंग्लिश को भी इतने सरलीकृत तरीके से हिंदी और संस्कृत के साथ में प्रस्तुत किया कि सारी की सारी बातें तो नहीं पैक होंगी, लेकिन कम से कम 35% तो मेरे दिमाग में घुस गया। और आपसे विशेष अनुरोध मैं करूँगी इस चर्चा के बाद, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मंत्र तंत्र के पर जब आप बोल रहे थे, एक छोटा सा क्वेरी है मेरी, क्या मंत्र के द्वारा तंत्र की प्राप्ति की जा सकती है, या फिर जब हम तंत्र करते हैं साधना करते हैं तो क्या उसमें मंत्र पीछे छूट जाते हैं, या फिर हमारे दैनिक जीवन में जो हम मंत्रों का उपयोग करते हैं क्या उसके द्वारा एक तंत्र का अपने आप में ईश्वर प्राप्ति का साधन बनता है? मैम अब मैं बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स के लिए, और आपने समझा मेरे लिए
मेरे लिए यही एक्चुअली फुलफिलमेंट है. मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं बात ही नहीं बता पाऊंगी, कैसे बताऊं मैं, अच्छे से मतलब इसको बताए. एक्सेसिबल कैसे करूं. ये था, आपने मेरी बात सुन करके थोड़ी समझ ली. आई एम एक्सट्रीमली फुलफिल्ड, थैंक यू. समझ देखिए गया, आपने पूरी बातें समझ ली और हम लोगों को आधी से भी समझा दी, ये बहुत बड़ी बात है. फिर आपने बहुत बड़ी उपलब्धि है. जी, तो आपका सवाल एक्चुअली उसका जवाब दिया जा चुका है एक तरह से. जब मैं कहती हूँ कि तंत्र में हर चीज़ टूल बन जाती है, पर मैं एक चीज़ और कह रही थी, वो ये है कि भाव को जोड़ दीजिए बस उसके साथ. इतना ही मैं अभी कहूँगी, समय भी ख़त्म हो रहा है, हम लोग तो मिलेंगे फिर. बस अंतिम, अब तो कोई प्रश्न नहीं है संभवतः. अंतिम प्रश्न एक छोटा सा मेरा था कि जब आप भावनोपाय को चित्तोपाय कहती हैं और वो मंत्र जो निरंतर चल रहा है, मंत्रोपाय. तो हाँ मंत्र और चित्त जो है वही मंत्र है, तो उसमें जो निश्वास और उच्छ्वास हो रहे हैं, सो हम वैसा कहते हैं, जब उच्छ्वास होता है तो वो अहम की ध्वनि आती है, और जब हम सांस लेते हैं तो सो और हम, ये जैसे सामान्य रूप से योग में ये कहा जाता है. तो अहम का जो हिस्सा है वो तो मातृका मय होने के नाते, मातृका को रिप्रेजेंट करने के लिए वो सर्वात्मक बता दिया गया. जो कुछ भी है वो अहम के द्वारा द्योतित हो रहा है. सह की क्या स्थिति है? धन्यवाद. अच्छा सवाल है सर आपका. बलराम जी, इट्स अ एक्सट्रीमली प्रिसाइज क्वेश्चन विच नीड्स सम इलैबोरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव रियली राइटली पॉइंटेड आउट दैट सो के साथ एक्चुअली इनहेलेशन है. सो दिस इज नेचुरल, दिस इज नेचुरल. एंड सकारेण बहिर्याति हकारेण विषेत पुनः, ये एक तरह से बहुत ही एजोटेरिकली कोडेड वर्स है. इसी को स्वचन तंत्र में क्या है कि हकारेण बहिर्याति बहिर्याति सकारेण सकारेण विषेत विक्षेपण. पुनः, जो ज्यादा नेचुरल है. ये तो यही हम लोग जानते थे. जो आप कह रही हैं उल्टा है, मतलब हकारेण अंत. क्योंकि हाँ ये तंत्र इसको उल्टा ही बता रहा उल्टा, है, वाह. लेकिन आपने सही पकड़ा है बिल्कुल. मैं सोच रही थी कोई पकड़ेगा नहीं. आई हैव एक्चुअली एक्सप्लेन्ड इट इन द पेपर, तो इसलिए मैंने इतना नहीं बताया. आसान तो स हम यही है नेचुरल, बट व्हाट हैपेंस व्हेन द योगी सटल लेवल्स पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि इवन दिस गेट्स ड्रॉप्ड टोटली. ठीक है, तो एक तरह से दैट इज राइट. इनिशियली जब आप, अगर आप उच्चारण कर रहे हैं तो स अहम, लाइक स के साथ इनहेलेशन ह के साथ एक्सहेलेशन इज नेचुरल, अगर आप लाउड उच्चारण कर रहे हैं. जब आप लाउड नहीं कर रहे हैं तब आप हकारेण लेक्चर. बहिर्याति सकारेण, आप दोनों तरह से भी कर सकते हैं. और योगिक ट्रेडिशन में जनरली क्या होता है ना, सो हम ही सिखाते हैं कि सो से सांस लो वो करो, क्योंकि उससे ज्यादा मासेस को नहीं सिखाया जा सकता. डिसाइपल जब गुरु के चरणों में बैठेगा तब वो बताता है कि ये भी ड्रॉप हो जाता है, नथिंग रिमेन्स. ध्वन्यात्मकता भी, जब हम वो सांस नाद, लेते हैं हाँ तो वो अनुस्वार का हिस्सा हिम जैसा हाँ भी है. सर बिल्कुल, आप तो जानते हैं. तो ये तो खैर मंत्र की बात हुई कि स और अहम में, स और अहम का ब्रेथ के साथ क्या रिलेशन है, बट इट इज रिगार्डलेस ऑफ ब्रेथ, इट इज दी शक्ति इट सेल्फ विच इज मूविंग इन साइड अस. सो ब्रेथ से ये एकदम अलग हो जाता है, अन्यथा जपाजप नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. तो दोनों रिलेटेड ही होगा. ये बहुत ही ग्रॉस स्टेप लेवल पर सकारेण बहिर्याति या हकारेण बहिर्याति कुछ भी ले लीजिए, ये बहुत ही ए लेवल है. और फिर अगर जेड लेवल तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस डजंट मैटर एट ऑल. योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द स पार्ट, तो ये ट्रिक जो है ये शिव शक्ति नरात्मक नरात्मक जी त्रिकम, त्रिकम. शिव शक्ति और नर से मिलके थे. इसमें जो सर सह पार्ट है वो नर को रिप्रेजेंट करता है. एक्चुअली सहु सहु इज द प्रणव ऑफ द तंत्र. तंत्र. तंत्र प्रणव सहु क्रीम. और प्रणव पे अब जब सवाल उठा है तो मैं ये भी बोल दूं कि
प्रणव जो है वो प्राण से जुड़ा है और प्राण जो है एक्सहेलेशन है. सो एवरीथिंग दैट इज एक्सहेल्ड इज प्रणवा इन अ वे, बट द वैदिक प्रणवा इज ओम और ह्रीम रोम और सहु, ये सारे जो है तांत्रिक प्रणव है. बट द अंडरलाइंग फैक्टर इज ब्रॉडली एवरीथिंग दैट इज एक्सहेल्ड इज प्रणव, कैन बी प्रणव. हर फोनीम प्रणव हो जाता है सर. मातृका, मातृका और मालिनी की साधना में अंग 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 इंग उंग अंग ऐसे करके वो प्रणव के साथ जुड़ जाता है. तो वो मतलब यहाँ पे हर चीज बन जाती है सर, हर चीज टूल बन जाती है. सो प्रणव इज दैट वे. स पार्ट जो है वो सहु से भी जोड़ सकते हैं और नर से भी जोड़ सकते हैं. तो उसमें बीज मंत्र है सर ये. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. बहुत अच्छी तरह से आपने उसका समाधान किया, बहुत धन्यवाद आपका. मैं अंतिम टिप्पणी के लिए निदेशक महोदय प्रोफेसर गुप्त जी से प्रार्थना करता हूँ. धन्यवाद राम जी, उपस्थित बंधुओं. आज अलका जी ने अपना अंतिम प्रस्तुतिकरण यहाँ दिया. वास्तव में ये जो अंतिम प्रस्तुति कल्मिनेशन ऑफ टू इयर्स वर्क है, दो साल, और मुझे लगता है दो साल की साधना का परिणाम नहीं है. इसके पीछे तो अब तक जो कुछ सीखा उसका सार है. इसलिए दो वर्ष की साधना का परिणाम ना मानते हुए ये जीवन आज तक की जीवन की साधना का परिणाम है. और उस दृष्टि से बहुत ही गंभीर और बहुत ही स्पष्ट चिंतन आपके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है. और मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी ये पुस्तक प्रकाश में आएगी उससे बहुत से प्रश्न भी उठेंगे. और यही किसी भी अच्छी पुस्तक का लक्ष्य होता है, प्रश्न उठाना और प्रश्नों के उत्तर देना. तो ये जैसे कि अभी ऑनलाइन विद्वान हमारे साथ जुड़े हैं और इतनी बड़ी मात्रा में जुड़े हैं और उन्होंने गंभीरता से सुना है, उसमें प्रश्न और टिप्पणियां दी हैं, ये भी इस बात का सूचक है कि वो लोग भी जानते हैं कि जो बोलने वाला है वो गंभीर है और उसका विषय भी गंभीर है और उसका जो कथन है उसमें भी कुछ सार होगा. तभी कोई अपना समय देता है. हम सब जो यहाँ बैठे हैं हमारी तो एक व्यवस्था हो सकती है कि हम एक व्यवस्था का अंग हैं, इसलिए हमें सुनना है. लेकिन ऑनलाइन वही आएगा जिसको लगता है, जो इन्हें जानता है, इनके काम को जानता है और ये जानता है कि जो कुछ ये कहेंगे उससे हमें कुछ ना कुछ लाभ होगा. तो इस दृष्टि से भी ये बहुत ही सफल प्रस्तुति मैं मानता हूँ. और अपने यहाँ पर आंखें बंद करके देखने की प्रवृत्ति पूरे दर्शन में है, अपने भीतर देखना और भीतर की शक्ति को जागृत करना. और ये जो भावना से भैरव तक की यात्रा और भी विभिन्न तंत्रों में, विभिन्न शास्त्रों में क्या लिखा है, इसका एक बहुत विस्तृत विवेचन इन्होंने अपने इस शोध कार्य में किया होगा और एक छोटी सी झलक हमें उसकी दिखाई है, जो बहुत आनंददायी अनुभव के रूप में मैं कह सकता हूँ. समझ हमें कितनी आई कितनी नहीं आई, उसका कारण हम इस डिसिप्लिन में इनिशिएटेड ही नहीं है अधिकांश लोग, इसलिए समझ के लिए भी पात्र होना पड़ता है और पात्र होने के लिए पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है. तो शायद हम उसके अभी अधिकारी नहीं थे, मैंने प्रारंभ में कहा, और इसको मान लेने में कोई किसी तरह की लज्जा या संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सभी विषयों का जानकार होगा ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं. लेकिन जिसके पास सामान्य समझ है वो ये तो समझ सकता है कि बोलने वाला कितनी गंभीरता से
और उसमें कितना खोया हुआ है, कितना डूबा हुआ है। मैं तो सोच रहा था कि अलका जी अगर अपना कोई टीवी के ऊपर चैनल शुरू कर दें, फ्रिक चैनल, तो कोई कारण नहीं है इनके शिष्यों की संख्या मिलियंस में ना बढ़े। लेकिन अभी तो इनको और बहुत कुछ करना है, तो मैं वो सलाह अभी नहीं दूंगा। मैंने अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को जरूर देखा है, उनके साथ रहा हूँ, जिनको मैं, इन्होंने बात की शुद्ध विकल्प विकल्प की, और शुद्ध विकल्प को जीने वाले व्यक्ति के रूप में मैं परम पावन दलाई लामा जी को जानता हूँ, मानता हूँ, उनके साथ 7-8 वर्ष रहा हूँ। अब उन्होंने एक बार मुझे अपनी एक पुस्तक दी, एथिक्स फॉर द न्यू मिलेनियम, नई नई किताब आई थी, मैं उनके पास बैठा था, और बच्चों की तरह इमेजिन नहीं कर सकते कि एक नोबल लॉरिएट है, एक बौद्ध धर्म का विश्व गुरु है, एक राज्याध्यक्ष भी है, और वो जब बात करता है तो ऐसा लगता है एक बहुत 10-12 वर्ष का बच्चा बिल्कुल सहज भाव से उससे बात कर रहा है। तो मैं बैठा था, मैं प्रायः जाता था उनके पास, तो धर्मशाला मेरा हेडक्वार्टर्स था, और एक ऐसी संस्था जो कि भारत तिब्बत सहयोग मंच के नाम से थी, उसका मैं नेशनल कन्वीनर था, इसलिए उनसे मिलना जुलना प्रायः होता था। तो उठे, मिस्टर गुप्ता वेट ए मिनट, व्हाट इज हैपेंड, वेट ए मिनट, अपने अंदर ड्राइंग रूम में गए, उनके घर के अंदर, और अपनी पुस्तक लेकर, दिस इज माय लेटेस्ट बुक, वुड यू लाइक टू रीड इट, सर इट्स अ प्लेजर, इससे बड़े सौभाग्य क्या हो सकता है। नहीं नहीं, मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको इसको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। तो मैंने उसको ट्रांसलेट किया। मैं ये अनुभव इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो भाव है, वो व्यक्ति जिसका सब कुछ छीन लिया चीन ने, जिसके करेक्टर असैसिनेशन हर रोज वो करते हैं, जिसके लोगों को उन्होंने मारा, उसकी रचनाओं में, मैंने अधिकांश रचनाएं उनकी पढ़ी हैं, एक शब्द नहीं है चीन के विरुद्ध, चीन के लोगों के विरुद्ध। तो उस पूरी पुस्तक का सार क्या है, मैंने उसमें लगभग 60-70 एनेक्डोट्स हैं, उनके जीवन के डिफरेंट इंसिडेंट्स हैं, और उसमें वो थ्योरी क्या प्रपोंड करते हैं, हाउ टू बी हैप्पी इन 21st सेंचुरी, खुश कैसे रहें, खुश रहने का तरीका जो अलका जी ने बताया वही वो बता रहे हैं, गेट रिड ऑफ ऑल योर बेस और इमोशंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स। ये जो शुद्ध ज्ञान वाली बात है कि आप अपनी जो भावनाएं हैं उनको शुद्ध कर लीजिए, विचारों को शुद्ध कर लीजिए, अपने चिंतन को शुद्ध कर लीजिए, तो आप सुखी रह सकते हैं। और ये उनके चिंतन का ही नहीं, उनके जीवन के अंदर मैंने देखा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि दलाई लामा जी जैसे बहुत से साधक होंगे जो कि इस सारी थ्योरी को जी रहे हैं, उनका सानिध्य अगर हमें प्राप्त हो जाता है तो शायद फिर ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। उन्होंने मुझे भी बहुत प्रभावित किया है। बहुत बार ऐसा लगता है कि ये आदमी मेरा शत्रु है, इसके विरुद्ध ये करूँगा वो करूँगा, फिर जब कभी विचार आता है कि आफ्टर ऑल फॉर व्हाट, क्यों करना है ये, फिर वो शांत हो जाता है, नहीं इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। तो इसलिए आज जो हमने अलका जी से सुना समझा बहुत ही आनंददायी था, और मैं उन्हें बधाई भी देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करता हूँ, और ये पुस्तक उनके कैरियर का, उनके जीवन का एक मील पत्थर बने, इसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब इसको समाप्त की ओर ले जाते हैं हम, और बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद डॉक्टर अलका त्यागी जी को उनके बहुत ही सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तुति के लिए। और हम लोग तो सीखते हैं वस्तुतः इनसे, और आप देखें, आप अंग्रेजी की प्राध्यापिका हैं और संस्कृत को इस हद तक उन्होंने सीखा है,
और इतनी अकादमिक ईमानदारी है उनकी कि आपने अभी इसी वर्ष संस्कृत एमए में एडमिशन लिया है, और इतना सीखने और इतने समझने की बात है। तो जो आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं कि बहुभिर बहुबोद्धव्यम और यावत जीव मधीते विप्र, विप्र वो है जो अंतिम सांस तक अध्ययन करता रहे। तो आपके आपने जो संस्कृत प्रारंभ किया है, आप हमारे विभाग की छात्रा बनी है, तो ये आपका सारा जो फेज हो बहुत ही उज्ज्वल हो, और उसके पहले ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से परिपूर्ण हो और पुस्तकाकार में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिले, हमारे हमारा ज्ञान वर्धन हो, और साथ साथ हम उसको अपने व्यवहार में भी ले करके आए और इतने सरल बन सकें जैसे कि सर अभी कह रहे थे। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद, और ऊपर मुझे लगता है कि समोसा आपका इंतजार है। जो लोग ऑनलाइन हैं उनको वर्चुअल समोसा हम लोग खिला रहे हैं। बहुत धन्यवाद सबको, धन्यवाद। थैंक यू। फिर नोट्स लेते हैं।